जब हमने शादी करी थी लगेगा। कि ये 3 महीने, ठीक है 3 महीने बाद इनका डिवोर्स होता दिखा देंगे, ठीक है। मैंने इनके घर फोन और कर दिया मेरा था, ये आपका लड़का मुझे तंग कर रहा है, ले जाओ इसे। मेरा फोन ये आपकी सासू माँ लड़ती है। हाँ ये तो सबके होते हैं। कपड़े नहीं सही से धो सकती तुम, ब्लॉग में डाल किचन रखा है। देख लो कैसा हो रहा है, मैं धोती ना आज भी बर्तन में थूत दिखे है। और तुमने शादी करी अपनी पसंद की करी है तो ऐसे ही पब्लिक ये दिखाओगे, खुशी रहनी चाहिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय टू चैनल स्ट्रगल लाइफ मोस्ट एंड दोस्त सुखन रेडू। तो दोस्तों फेस देख कर पहचान गए होगे, पहले आपने सुनी होगी लव स्टोरी, क्योंकि वही पूरी नहीं हो पाई उस टाइम जो भाग दौड़ का टाइम था, क्योंकि उस टाइम प्रमोशन का लेकर किसी सॉन्ग ने लेकर मीटिंग थी, भाग दौड़ में हम भी थे और मम्मी भाई प्रेरणा मैम भी भाग दौड़ में थे। तो बहुत अच्छा प्यार दिया उस इंटरव्यू को, उस वीडियो को। तो दोबारा फिर आप सबकी डिमांड है, मिलन आ गया मैं और लव स्टोरी अधूरी थी पूरी करांगे। तो राम राम करते हैं प्रेरणा और पम्मी भाई का, पहले राम राम चैनल पे। जय बाबा की बात। राम राम प्रेरणा जी। ओके तो स्टार्ट करते हैं एक बार, जो आपसे इतने पब्लिक इतना ज़्यादा प्यार करते हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, कहाँ पे मिले और कब मिले? यही हमारे घर। घर पे आना पड़ेगा। तो गाइस हमारा घर है जगतपुर गांव में, गली नंबर 1। जिसको भी मिलना है, जो भी हमारा फैन है, कैसे भी मिलना है, मतलब कि हमारे घर आ सकता है और कभी भी मिल सकता है। अरे वाह क्या बात, बहुत बढ़िया। जैसे भाई जी आपने बोला कभी मिल सको, वो कमेंट भी करें भाई रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो मैसेज भी करा है उनका रिप्लाई नहीं मिल रहा, क्या चक्कर है भाई रिप्लाई नहीं मिल रहा? रिप्लाई का बहुत इशू हो जाता है, एक तो हम लोग वैसे बिजी रहते हैं और रिप्लाई बहुत सो के दे देते हैं, नहीं दे पाते। अगर जिनका नहीं दे पाते तो जगतपुर गली नंबर 1 और किसी से पूछ लेना, पम्मी नाम लेके घर आ जाओ, बिल्कुल सीधा रिप्लाई ले लो घर आके। बिल्कुल आपने कमेंट या कमेंट करो कोई दिक्कत नहीं, मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जगतपुर आओ, गांव है ना, ये गांव है, यहाँ पे आओ, घर पे मिलो, बहुत अच्छी सेवा पानी होगी और आपको वही ब्लॉगिंग चैनल है तो फुल सपोर्ट मिलेगी आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं लव स्टोरी की। सबका भाई ध्यान मरा हुआ है, मेरी हम भी कपल हैं, हमारी भी सेम स्टोरी कुछ लेकर ये बात करांगे। तो पम्मी भाई बताओ कितने साल का रिलेशन था तारा? हमारा 6 साल का रिलेशन था। 6 साल का रिलेशन? हाँ जी प्रेरणा जी मेरा भी 6 का। झूठ तो बोल रहे हैं। अच्छा प्रेरणा जी बताओ, आप बताओ पहले, लड़की कह रहे भाई लड़के शुरुआत करते हैं तकरीबन इस चीज के लिए, आपने करी शुरुआत है पम्मी ने, आप बताओ। वैसे इन्होंने ही करी थी पर फिर ये रुक गए थे। रुक गए थे जब मैं मानी नहीं तो 3-6 महीने बाद फिर रुक गए थे। अच्छा यानी भाई जी हम क्यों नहीं माने ये बताओ, ये रीजन था पता नहीं क्यों ना मन नहीं, मैंने तो खूब मनाई। नहीं आप क्यों नहीं माने, आप क्यों नहीं माने, इनको खुद ही नहीं माने। ये किसी से आप जैसे भाई छोड़ यार इग्नोर मारे, इग्नोर मारने से लड़की कह रहे नजदीक आ जाए ना, इसे देख कर ना एक शुरू से ही अटैचमेंट सी हो जावे ना। किस कह रही हो? वही बस वही सब था कि इसे देखते ही प्यार हो गया था, मतलब कि अरे क्या बात है। जैसे आपने पिछले इंटरव्यू बताया स्कूल में पढ़ते थे, हाँ। एक ही क्लास में थे? नहीं मैं नहीं, ये तो कॉलेज में, मैं कॉलेज में था ये स्कूल में थी। अच्छा अच्छा ये स्कूल में थी, छोटी हूँ बहुत। अरे कितने साल छोटे हो? मैं 20 26। देखो भाई एज का कोई मैटर नहीं होता है यहाँ पे, प्यार मायने करता है। मैं थोड़ा 1 साल पीछे बोल रही हूँ, तुम आगे बोल रहे हो 27 26 की है गाइस, ये इन्हें पता नहीं है। एज मायने नहीं करती यहाँ पे, प्यार मायने करता। हाँ ये जोड़ी है ना जो बरकरार, जो करे जो लव स्टोरी होती है ना बीच में टूट जाते शादी होने के बाद, ये आज तक कितने साल हो शादी को? अभी आज कल हुआ 1 साल। हाँ कल एनिवर्सरी। और मिल के भी गए होंगे कोई बाहर, मिले होंगे आपको कोई एनिवर्सरी पे? लोग पहले मिल गए थे जो फैंस वगैरह थे एनिवर्सरी पे, घर ही मिल के गए थे। अच्छा घर ही मिल गए थे, आते रहते हैं ऐसे तो घर मिलने कोई भी आ जाता है। 1 साल हो गया, कल एनिवर्सरी थे, मैं अगले दिन आ गया। कल एनिवर्सरी थी, मिल के गए और कमेंट भी आई अच्छे भाई, पॉजिटिव कमेंट भी आई, नेगेटिव भी आई, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा आए। तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको तो थैंक यू बहुत सारा। हर जो एट कर रहे थे उनका क्या कहना चाहोगे? उनको भी थैंक यू बहुत सारा। भैया अपने लग आप हो तभी तो हम हैं। देख ले भाई इतनी पॉजिटिविटी चेहरे पर लेकर, क्योंकि कई बार एटर्स का नाम सुन दे कई जड़न हो जाए वह आग बुड़ा हो जाते हैं, देख चेहरा पर स्माइल है ना। हेटर सामने आवे तो उन्हें जवाब भी देवे। हाँ हमें तब भी नहीं देना, नहीं हमें तब भी नहीं देना, कोई नहीं अपना काम करते रहना। तो देखो आपके 6 साल का रिलेशन चला और आपने बताया स्कूल में कॉलेज में थे, स्कूल में थे, और जैसे आपने बताया भाई जी
मिलने जाते थे आप और आप भी कभी वेट करते थे प्रेरणा जी आज पम्मी आए? मैं तो शुरू में भाग जाती थी कि आना जाए टाइम पे, जल्दी वैन में भाग के जाती थी जैसे मैं मानी नहीं थी। अच्छा तो मैं देखते ही भाग जाती थी। चेहरा देखने जाते थे आप? कभी बोलने की कोशिश करी आपने? भाई मैं आज बोलूंगा। बोलने की कोशिश तो नहीं कर दी, इसकी गली पे चला गया। पहली बार ही कर दी थी बोलने की कोशिश। अच्छा पहली बार मैं रोने लग गई थी। कई जज कराए मैं, पम्मी तो बहुत शरीफ है। मैं रुला दी थी पहली बार में। अच्छा मैं 10th क्लास में थी जब इन्होंने पहली बार बोला ना ना करे सेटिंग। मैं रो गई इसके साथ। दो तीन लड़के और थे, मेरे आंसू छूट गए भाई। आपके साथ लड़कियां थी? उन्होंने नहीं, मैं अकेली थी। हैं क्या बात है भाई, तब मैं रोने लगी। ये दो तीन, ये दो तीन थे। तो भाई देखो, देखे एक नेगेटिविटी फैलाऊंगा भाई, कल्ला था नू प्रपोज कर। देखो दिल की बात थी, प्रपोज करया कोई बड़ी बात कौन करी, दिल की बात शेयर करी है। इब कोई नेगेटिव ले जाए तो गलत है। डरा के बच्ची को। तो जैसे पम्मी भाई उस टाइम रोई ये चली गई थी, आपने नू नहीं भाई यार गलत करया था? नहीं हंस रहे थे हैं, पहले तो हंस रहे हैं, फिर बाद में जब घर चली गई फिर मैसेज कर रहा हूं मैं, सॉरी गलती होगी यार। हां मैसेज की बात है, मैसेज कहां पे करया फिर आपने? फेसबुक पे। फिर आप फेसबुक पे कर देते? पर फेसबुक पे नहीं करया आपने? पर फेसबुक पे भी कर दिया था हर जगह। फेसबुक पे बोले आपने, इंस्टाग्राम पे मैसेज आए, तो आपका क्या रिएक्शन था शुरू में? मेरा सबसे पहले फेसबुक पे आया, इंस्टाग्राम पे मैसेज? फेसबुक। फेसबुक पे, फेसबुक के आईडी आपने कैसे पता लगा? मेरा बुआ का लड़का तो वो देख रहा है। नहीं उनकी उनकी गर्लफ्रेंड मेरी फ्रेंड। हाँ तो उसी चैन सिस्टम। हाँ तो मैंने पूछा उससे, मैं कही लड़की कौन है? मैं कह रहा भाई वजीराबाद की है। ये कह रहे हैं मैंने कभी ना देखी वजीराबाद में, ये कौन रह रहे? तो मैंने इससे उससे कही है, इससे मुझे इससे करनी है सेटिंग। और मैं इनकी महबूबा के साथ आसपास ही रहती थी, इनकी कोई और महबूबा थी? अच्छा उस टाइम और थी? हाँ। क्या बात और है। इनकी महबूबा की सखी सहेली थी मैं। मतलब ऐसी महबूबा नहीं, इनकी बस क्लोज फ्रेंड। क्लोज फ्रेंड मतलब वही हाफ गर्लफ्रेंड, जिसे पूरी दिल की बात शेयर नहीं होती थी। कर लेते थे उससे? हाँ। नहीं करते थे तो फिर आईडी मिल गई भाई जी। हाँ। फिर आपने मैसेज करया? हाँ। उसको देखने आते थे पर तब भी मुझे नहीं देखा, मैं उसके साथ वाले घर में रहती। मैं कह रहा हूँ। हाँ। यार मैंने तेरे पर नजर क्यों ना पड़ी, मैं इस गली में अगर 10 बार चक्कर काट दूं। हाँ। मैंने आज तक तू ना देखी। मैंने कहा मैं अंदर रहती हूं, मैं बाहर नहीं जाना। तो फिर आपने आईडी उस लड़की से ली है? वो भैया ना। हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते, तो उनकी गर्लफ्रेंड मेरी फ्रेंड थी। हाँ। और वो इनके बुआ के लड़के थे। हाँ। तो उन्होंने दिखा दी मेरी आईडी इनको, छुपके बना रखी थी मम्मी से मैंने। अरे क्या, आपने अपने प्रेरण नाम से दिया कोई और नाम से बनाई हुई थी? वो थी सिल्की मिल्की। सिल्की मिल्की। जब आपने बातचीत हुई सिल्की मिल्की, किस तरह की लगी फिर? मतलब सिल्की मिल्की कैसी लगी? मतलब वो तो फोटो में प्यार हो गए देख के, जब सॉन्ग में पड़ी तो कति मैं तो न्यू हो गया। इतनी गोरी चिट्टी लड़की ज्यादा सुंदर थी जब तो बेकार जब तो मतलब मैं बुरी हो गई। अभी एक बालक की माँ हुई तू। नहीं लग नहीं रहे, फिर भी कमेंट आ रहे हैं अभी भी जैसे सिंगल लग रही। नहीं ये देखो, ये देखो। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। बिल्कुल। तो देखो आपका शादी होगी, फैमिली की बात आ गई भाई जी, आपकी फैमिली माननी कि नहीं माननी? ना फैमिली, फैमिली तो शुरू से ही ना माननी थी। आपकी नहीं माननी? दोनों की नहीं माननी? बिल्कुल नहीं। बोले तकरीबन बोला लड़के वाली तो मान जाए है, लड़की वाली की थोड़ी रवा है। शादी के बाद मान गए थे? शादी से पहले कोई नहीं माना। शादी के बाद इनके वाली फैमिली मान गई थी 4-5 days में, मेरी वाली थोड़ी ऐसे 5-10 days में। मतलब ऐसे था कि बात करने लग गए थे बच्चे, पर वही दिलों में तो सबके था ना अपसेट रहता। आपने सबसे पहले किसको बताया था? मैंने फोटो भेज दी थी अपनी मम्मी को शादी करके। फोटो भेज दी? घर में दिखाया नहीं भैया? देखो नहीं करके बाहर करते ही, बैठे करते ही फोटो भेजी फेरों की। और मैं जैसे नहीं फेरों से पहले पूछना चाहूँ मैं, जैसे आपने घर बताई होगी? नहीं नहीं किसी ने लिया। बताते तो करने कौन देता यार, वहीं पकड़ लेते नाड़ पकड़ के ले आते घर। नहीं फिर आपने पता कैसे लगा भाई मेरी फैमिली मान नहीं रही? 6 साल क्लेश क्लेश भाई, पता तो होगा किसी को फैमिली में? सबको पता, सबको पता है, कंप्लेंट वप्लेंट दुनिया भर के वो हुए। अच्छा हाँ। सब कुछ हो लिया था, थाने कोर्ट कचहरी जेल वेल सब हो लिया। फिर डिसीजन कद लिया आखिरी डिसीजन? बस जब मैंने इन्हें छोड़ने का डिसीजन लिया था। हैं क्यों छोड़ रहे थे आप? मैं बहुत तंग हो गई थी। तंग कर रहे थे? नहीं ये बहुत ऐसे है ना, मतलब अब नहीं है, तब बहुत वैसे स्ट्रिक्ट टाइप थे और मैं एकदम ऊपर रहना चाहती थी, तो ये ऐसे नहीं थे। फिर एक टाइम पे आके ना मैं बहुत दुखी हो गई इनसे,
तो फिर मैंने डिसीजन लिया मैंने छोड़ दूंगी। और रात को आप क्यों दुखी थे ये बात बताओ। बहुत रोक टोक करते थे ना, मैं इन्होंने ना लास्ट जो हमारी शादी हुई तो जिम में आके मतलब मिसबिहेव करा तो मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं ऐसे मेरे को ये हुआ मैं छोड़ दूंगी, रोने लग गई है वो। मतलब फिर रात को मैंने डिसीजन लिया कि मैं छोड़ दूंगी, फिर सुबह मैंने शादी कर ली। ये भाई वो देखा रात को चेंज हो गई, रात तो रात है, रात रात गेम पलट दिया वो बात होगी। रात रात में मैंने गेम पलट दिया। आपने फिर पूरी रात मनाने की कोशिश की? पूरी रात मैंने क्या करा, मैं सोई पड़ रही, ये दीदी के फोन से लगे हुए थे, अभी आने वाली है दीदी। घर में मतलब कि कशिश नहीं नहीं लड़ाई हमारी मेरी जेठानी। अच्छा, घर में लड़ाई हो गई थी, सबको पता लग गई थी कि ऐसे ऐसे हो गई है। मैंने इनके घर फोन कर दिया, आपका लड़का मुझे तंग कर रहा है, ले जाओ इसे। मेरा फोन छीन लिया घर वाले ने, फोन छीन के अपने पास रख लिया। फिर मैंने भाभी को फोन उठाया चुपदी सी, भाभी के फोन से मैसेज। भाभी अच्छे ही अपसेट हो गए थे, फोन ले लिया ना, तो भाभी ने इसलिए दे दिया की चल इंस्टा चला लेगा। भाभी ने अपना फोन दे दिया इसलिए कि चल दुखी ना हो, सैड ना हो। पर भाभी को क्या पता था कि ये फोन लेके हराम बना करेगी। अरे आप जैसे भाभी वाले से कर रहे थे मैसेज, आपने पता था ये कौन कर रहे हैं, भाभी कर रही है, ये कर रही है मैसेज? मेरे पास सारे घर के नंबर थे ना, ये चोरी चोरी सबके फोनों से करते थे ना। क्या बात है भाई। आप जैसे लड़कियां क्यों रिटेट होते, एक बात बताओ मुझे प्रेरणा से। आप बोल रहे थे मैं रिटेट हो गई थी बार बार, ज्यादा रोक टोक से होती है क्या? फिर भी कुछ समझ आ गया, अब छोड़ दिया ना इन्होंने करना। आ गई ना समझ अब के रोक टोक, अब तो भाई अब नहीं। फिर भी इनको आ ही गई थी थोड़े टाइम में, पहले ही बहुत ना मतलब ये नहीं वो नहीं है, दिमाग खा जाते थे। सबसे कितने दिल भेजे भाई जी आपने डेली, कितने दिल भेजते थे डेली के? दिल मैं पूरी रात जगे रहे कुछ तो प्यार हो गया था सिर्फ पम्मी एम लिकट का दिल की बात सारी। तो ब्याह हो गया, शादी होगी, पर इन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। एक बात और, ये तो भाई पहले ही बता। नहीं एक बात और, मैं बताने दो ना। पूरी रात जब मैं इसके पास मैसेज कर रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ मैं तेरे से शादी करूंगा, मैं तेरे से शादी करूंगी। फिर इसने पूरी रात मैसेज ना देखे, सुबह मैसेज देखे, पता क्या बोलती है? मैं नहीं आऊंगी, मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मैंने तेरे घर शिकायत लगाई है ना, मुझे पता है तू मुझे कहीं फेंक आएगा। मैंने कि मार हुआ जब हमारा रिलेशनशिप हुआ था ना, तो मतलब पहले तो एक साल मनाने में निकल गया, फिर हो गया रिलेशनशिप। जब मुझे भी समझ आ गया कि यार रिलेशनशिप है, पहले तो मैं फ्रेंड ही मानती थी। फिर मैंने इनसे पूछा 6-7 महीने बाद, मैंने कहा शादी भी करोगे? तो कहता शादी नहीं करूंगा। फिर मैंने इनको बोला था, मैंने कहा मैं देखना मेरे अंदर भी ना ऐसी बात है, हाँ, शादी हो के ही रहेगी। और मैंने कहा मैं ऐसे किसी से मेरे को ऐसे नहीं करना, आज तुम कल कोई ये फिर शादी ये वो। हाँ। तो इन्होंने कहा शादी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। मैंने कहा ठीक है चलो हाँ। लिखवा के ले लो तुम। हाँ। तो बस आज वही बात हो गई, लिख के नहीं दिया बस मैंने। जैसे आपने ये शादी के लिए मना किया, उस दिन खलबली मैं मतलब इनसे पूछ नहीं रही थी कि मेरे को आपसे शादी करनी है। हाँ। बस मैं एकदम कंफर्म कर रही थी, फ्रेंड ही थे पर मैं कंफर्म कर रही थी। मैंने कहा तुम इतना प्यार करते हो शादी भी करो, कहते नहीं। क्या बात है, पूरा एटीट्यूड तो बोले मैं नहीं कर रहा है। फिर एक टाइम पे इतना अटैचमेंट हो गया। हाँ, तो बस मैंने इनको बोला, मैंने कहा तुम आज नहीं बोल रहे हो देखना, मैंने कहा आज 3 महीने हुए 3 साल बाद बताना। 3 साल बाद शादी कर ले, शादी कर ली। तो शादी कर ली आपने, डिसीजन ले लिया रातों रात, सुबह चल दी। सुबह कैसे छुप छुप के कैसे निकले? ऑटो। मैंने 250 रुपये लेके। अरे हाँ, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। अच्छा 250 आपने मम्मी से ले, पापा से ले? नहीं वो थोड़े बहुत थे अपने पास, एडजस्ट कर लिया फिर अपनी कंपनी वालों से। हाँ, मैंने अच्छा जो भी करी क्या? नहीं नहीं जो मेरे वो इंस्टा वगैरह वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने अपनी कंपनी वाले को फोन करा, तो उस टाइम पे बस मेरे 7,000 रुपए थे उनके पास। हाँ, तो 7,000 रुपए लेके उसी में शादी की। 1-2 हजार इधर से मंगाए, 1-2 हजार अपने एटीएम में जो निकल के ऐसे हुए, 15-16 हजार रुपए उनमें ही शादी करी। और 3-4 दिन बाहर स्टे करा, खाना पीना जो। तो बात करते भाई जैसे कोर्ट शादी आपने कोर्ट की करी, तो कागज से पूरे पहले करवाए आपने शादी? उसी दिन हो गए थे, उसी दिन करवाया हमने तुरते। हमने आर्य समाज मंदिर में करी थी, तो उन्होंने ही रजिस्टर करके हमने बोला आप हमें रजिस्टर करवा के दे। अच्छा अच्छा। वो उन्हें कर दिया था मंदिर वाले ने रजिस्टर? उन्होंने उनके पास होता है ना वकील, होता है वो वहीं पे स्टैंप लगवा देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे गवाह वगैरह नहीं मानते भाई? कितने दे आप? 2 गवाह। कौन थे वो? वो ना कोई वहाँ पे आए हुए थे, उनके पेरेंट्स एग्री थे शादी के लिए। बट उनके गवाह लेट हो गए थे, तो मैंने उन्हें बोला हम आपकी गवाही देते हैं, आप हमारी दे दो। मैंने फिर 2-4 के पास फोन भी करा, तो सबने मना कर दी थी गवाह के। फिर वहाँ 2 जोड़े आए थे शादी करने के लिए। हाँ। तो उन्होंने हमारी गवाही दी थी और हमने उनकी दी थी। क्या बात है भाई, शादी होनी थी। आप कह रहे हो भाई मैंने 3-4 को फोन करा, आज वो क्या कह रहे हैं? अब वो क्या कहेंगे, बस अब भाई मौज कर दी। कह नहीं रहे शादी का लड्डू। वो भी अपनी जगह ठीक थे, डर रहे थे कि भाई कल को पता लगेगा। डर भी नहीं, डर भी नहीं है वो भी ना कि सबके व्यूज में गलत ही है ना। हाँ। पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पेरेंट्स को बुरा लगेगा, और फिर ये पता चलेगा कि घर के बच्चे ही गवाही दे रहे हैं,
ये बात हमारे क्लोज ही थे तो उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो अपनी जगह सही है जिन्होंने भी मना करा। कितना बजट लग गया था उस पे कागजों कार्रवाई में? हमारा 8,000 कितने के बजट लग गए? बट नहीं, आप इस चीज को हम सिर्फ एक बात कर रहे हैं, एक डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप भी ये सब करो। हां बिल्कुल, घर वालों को मनाओ, घर वालों को मनाओ। हां एक बार आप भी मैसेज दो ना, जैसे भाई आप ये देख लो ना, लव मैरिज को सोचो भाई, इनकी कर लिया हम भी कर लेंगे। आप लोग ये सोच रहे हो ना कि इन्होंने कर ली लव मैरिज हो गया और इतने कम पैसे लगे, तो आप ये वाली बात भी पहले वाली भी सुनो कि हमारे करने के बाद 3-4 दिन बाद घर वाले मान गए, तो अगर आप पहले रिक्वेस्ट करके घर वालों को मनाओगे तो वो मान ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप यानी अपने फैमिली को मनाओ, अगर फैमिली खुश नहीं हो फिर क्या करे? फिर तो हमारे तो अब खुश है ना, पहले तो उन्हें भी बुरा लगा था, तो आप यही करो कि मतलब फैमिली के साथ करो। अब हमारी तो मतलब हो गया, हमारी किस्मत में यही लिखा था, अब जरूरी थोड़ी आप सब भी यही करो। बिल्कुल बिल्कुल, अब 1 साल हो गया, बहुत अच्छा चल रहा है इनका, तो बातचीत करते हैं भाई। पम्मी प्रेरणा की 2 बैड हैबिट बताओ जो अच्छी नहीं लगती है, चेंज करवाना चाहो हो इसकी। हाँ, जो बुरी आदत, जो बुरी आदत यू है कि तो छोटी छोटी बात पर छो जाओ है। हाँ, और फिर मुझे धमकी दिया घर चली जाऊंगी। प्रेरणा जी सच बात है? हाँ, क्यों दे रहे हो अब धमकी? धमकी है, मैं बोलती हूँ मैं घर चल जाऊँगी, फिर मुझे बता रहा फिर इनका मन नहीं लगेगा, मान जाएंगे। फिर मुझे माननी पड़ा है फिर इसकी बात। ओके, एक हो गई, एक और बताओ। एक और इसकी घर जाने के बाद आती नहीं है, मैं नहीं आ रही। हाँ, जैसे 15 दिन जा रही थी। हाँ, अब मैं जा रही हूँ। हैं? हाँ, 15 दिन रहेगी, अब मैं जा रही हूँ। मैंने कहा यार टिक के रह लेकर थोड़ी बहुत। अरे मेरे को ना मतलब इधर उधर उधर मेरा मन लगा रहा था, घर नजदीक है, एक तो नजदीक है, एक घर भी नजदीक है। जितने ये इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है ना अभी तक, इतने में तो घर होके आ जाती हूँ। इतनी दूर है क्या? 5 मिनट की दूरी पे है बस। फिर तो सुबह ना तेल लग रहा, ना पेट्रोल लग रहा, ना फल फ्रूट लेके जाने, चले जाओ। आगे सुबह रे कसण मंजे, दोपहर ने सो आएगी और शाम ने फिर समेट लिया। नजदीक है रिश्ते, नजदीक रिश्तेदार का कितना फायदा भाई? फायदे फायदा, तेल ना पानी अपने बेलवाड़ी अपने मिल जावे। बिल्कुल भाई, ये भाई एक शहर का मैटर है, पहले बताऊंगा, सोचो गांव में, गांव में चल रही है बात। बिल्कुल नहीं, गांव में तो फिर जूत बज जाए, बट वही अपनी फैमिली के ऊपर है ना। हाँ, बाकी आपके फैमिली पर डिपेंड, अपने ऊपर डिपेंड है। तो प्रेरणा जी आप बताओ, जो बैड चेंज करना करवाना चाहते हो? अब नहीं इनकी कोई भी है, अब कोई इतने अच्छे लग रहे हैं। अब कोई बात नहीं, चला अच्छी बता दो भाई, अच्छी सारी अच्छी इनकी, कोई एक नु दिल खुश हो जाए इसकी आदत बड़ी अच्छी लगा, मैसेज भी जावे इनकी, इनकी आदत अच्छी है। हाँ, कि अब ये ना थोड़ा मेरे साथ मतलब काम वाम कराने लगते हैं, जब से नोना हुई है ना, तब से मतलब पहले पूरे रूम में कपड़े वपड़े फैला देते थे, अलमारी यूं रहती थी, अब ना कपड़े उतार के भी साइड वाइड में रखते हैं, पहले नीचे फेंक देते थे ऐसे ही, शॉर्ट्स अलग, जीन्स अलग, शूज अलग। भाई ये बात है, ये शादी होने के बाद सब नहीं, शादी होने के बाद भी कर रहे थे, बस 1 महीने से जब से नोना हुई है तब से ऐसे कर रहे हैं। काम बटाना चाहिए भाई, पत्नी हो चाहे मम्मी हो, काम बटाना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काम बटाने को नू मत कहो, नू कहेंगे काम करे, काम बटाने को तो कुछ ना करता भाई, बहुत दुखी करे। बस ये है कि अपने कपड़े वपड़े जो पहले बहुत गंदे मचाते थे वो नहीं करते हम। ओके, अच्छा एक गेम करते हैं, आपने इशारे इशारे, गेम का नाम है इशारे इशारे में, एक दूसरे के इशारे करना फिर बोलना। अच्छा, सबसे ज्यादा शरारती कौन है? इशारा करो कौन है, यही है तुम्हें भाई, बताओ शरारती क्यों है? क्यों शरारती पता क्या है? एक तो यू सबसे ना सबकी गल मजे ले हुए, घर में कोई रिश्तेदार भी आ जाएगा उनके साथ भी, अब जैसे हमारी बुआ आई है बड़ी, तो बुआ आएगी ना, प्रेरणा को बोला सबकी नकल तारती है। अच्छा, अरे वाह वाह, पम्मी की उतारी हो एक बार? पम्मी की रहने दो, फिर और तो देखो हम जानते नहीं भाई, बड़ा सबकी कर लेती हूँ, मतलब वही ना आसपास कहीं जाती हूँ, जैसे कहीं हॉस्पिटल भी जाएंगे तो डॉक्टर की नकल तार लगेगी है। हाँ, कहीं कहीं भी जाएंगे मतलब सबकी नकल तारती है। कोई नहीं, लोग चैनल पे मेरी तरवाऊंगा। बिल्कुल, और अगला है भाई जी, सबसे ज्यादा खाता कौन है? ये भी प्रेरणा ही, लग नहीं रहा कहाँ पे डोले तो इधर दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी पम्मी, प्रेरणा जी सॉरी, ऐसे ही है? क्या डाइट है ये तो दिख जाएगा लोगों को व्लॉग में, सिर्फ लाने लाने का नहीं, कहीं कह रहे हैं भाई सलीम आपकी बॉडी फिटनेस थी, आपके आपके डाइट प्लान क्या? मैं डाइट प्लान कुछ नहीं है, सब खा सब उधेड़े ऊपर तले, कुछ भी तला चिकना विकना सब सब, कुछ डाइटिंग नहीं है। देख लो वो ऊपर तले खा फिर भी देख, वो जितना सोचते हैं ना डाइट डाइट उनके साथ ही होता है, मैं कुछ नहीं सोचती, सब खा लेती हूं, सब खा लेती हूं। ओके, जो मिल जाए। बिल्कुल, सबसे ज्यादा किसको गुस्सा आता है? दोनों को बराबर ही आवे तो ऐसे ही ज्यादा आता, सबसे ज्यादा पम्मी का आता है। क्यों, किसी पर टॉपिक पे? हर टॉपिक पे है, कुछ बोल दूं अब पम्मी भाई। हाँ, क्या है?
ओ तेरी आप डर जाते फिर और हंसती हूँ टक्कर लेते हो ऐसा लगे मैं ये लड़ते हैं चिल्लाते ना मैं कहती हूँ कम मुझे नहीं पसंद तेजपाल क्या फिर ये हंसी आ जाती है ऐसी लड़ते लड़ते देख लो ये नोक जोक तो होते जाते प्यार में नोक जोक कितनी अच्छी लगती है ये लड़ते रहते हैं मैं हंसती रहती हूँ मैं अपना बोलते रहती हूँ अपना हंसमुख तो है प्रेरणा जी मैं कुंडी मार के बाहर से गेट के आ जाती हूँ अंदर बोले चले जाओ पहले हमारी छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती छोटी कोई भी बात हुई जैसे मतलब की अब क्या है अब लड़ाई भी हो जाना थोड़ी देर में खत्म हाँ। ये भाई ये है प्यार इसे बोलते हैं थोड़ा बहुत नोक जोक हो जाए उस बात ने बढ़ाया नहीं करना ये मैसेज भी है एक तरफ का क्योंकि भाई छोटी छोटी बात हाँ। लेकर वो घर पाटन वाली बात हो जाए घर में बहुत सी छोटी बात लेकर डिवोर्स हो जावा ये हो जावा फलाना हाँ। तो भाई छोटी सी बात है थोड़ी देर का गुस्सा है उसे मार दो खत्म कुछ भी ना हो फिर बाद में सब ठीक हो जावा बिल्कुल अच्छा अगला है सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है एक दूसरे को दोनों भाई क्यों नहीं करते ज्यादा ये करती है प्रेरणा वो जनता भी जानती है बताओ ना पम्मी भाई ना ना मैं भी करूं शादी होने के बाद है शादी होने के बाद हाँ यही करती है पहले प्यार करते हो ये पहले ज्यादा करते अब तो मिल गई हाँ अब तो प्यार तो का परोठा बन गया तक साथ ही रहना है हाँ ये तो है बिल्कुल ऐसी जोड़ी सलामत रहे हम तो ये दुआ करते हैं अच्छा अब जैसे आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक प्यार दे रही है उनके कुछ कमेंट में लेके आया हूँ उनके जो आप आज लाइव दे दो अच्छा कोई प्रीति कश्यप है वो बोल रहे हैं प्रेरणा दी आप ब्लॉग डेली नहीं डालते के रीजन है फैमिली भी तो है मेरी घर भी तो है बच्चा भी तो है कैसे करूँ भाई देख लो ये जो आप ब्लॉग अभी भी बने पड़े हैं बस वही एडिटिंग करने में टाइम लग जाता है बाकी हम कोशिश करेंगे हमारे दो चैनल है आप दोनों चैनल पे देखा करो ना एक दिन मेरा आता है एक दिन इनका आता है ओके दो चैनल है यानी ए वही प्रेरणा व्लॉग्स और पम्मी प्रेरणा व्लॉग्स अलग अलग व्लॉग आएगा वो सेम व्लॉग तो नहीं डालेंगे नहीं अलग एक दिन मेरे पे आता है एक दिन इनके पे आता है ओके यानी ये पब्लिक ये प्रीति नु को अभी डेली डालो डेली इसलिए नहीं डाल पाता क्योंकि एक तो पहले तो डाल भी रहते हाँ। जब से बेबी हुआ है तो थोड़ा बिजी रहते हैं फैमिली भी है फिर बाबू भी है तो इसलिए डेली नहीं डाल पाते बाकी फिर भी हम कोशिश करेंगे आगे से और ज्यादा बनाने की बिल्कुल नेक्स्ट कमेंट है पूजा रानी प्रेरणा दी जैसे आपने शादी करी वैसे मैंने करी अपने बॉयफ्रेंड से बट मेरे पापा नहीं मानते क्या करूं क्या करूं मेरे भी नहीं माने थे मेरे पापा ने भी बहुत दिन तक बात नहीं करी थी बट फिर बोला मैंने समझाया मासूमों की तरह देखती रही उन्हें देखती रही पापा मान गए माने नहीं आज भी उनको लगता है थोड़ा सा फील हो जाता है कभी कभी बट हाँ पेरेंट्स है ना कैसे छोड़ सकते हैं अभी अभी पता चला है मेरे को क्योंकि नोनो हुई है ना एक महीने की तो मतलब ऐसे लगता है कुछ हल्का सा मच्छर भी काट ले तो आंसू निकल जाते हैं तो अब पता चल रहा है एक बाप इतनी चीजें इतनी पाल देता है तो थोड़ा बिल्कुल लगता है मम्मी पापा सोचा अपनी मन पसंद से शादी करा हाँ। नू है यार लड़की ने ढूंढ लिया वो अपना लाइफ पार्टनर जो उसी ने जीना है हाँ। वो तो लेके कैश के वो मन ओड़ा करना है बिल्कुल देखे मम्मी पापा इस सहमत जरूरी है मम्मी पे बिल्कुल नेक्स्ट कमेंट है सोनू राणा कोई प्रेरणा और पम्मी भाई लव मैरिज के साइड इफेक्ट बताओ कोई साइड इफेक्ट हाँ। हमारे औरों के होते हैं हमारे तो साइड इफेक्ट नहीं हमारे तो गुड इफेक्ट्स हैं सारे कोई साइड इफेक्ट नहीं भाई इनके अच्छे इफेक्ट पड़ रहे भी लगता हाँ। एक दूसरे का अच्छा प्यार करते हैं बिल्कुल ओके नेक्स्ट है सुमन राजस्थान से कोई प्रेरणा जी आपकी सासू माँ लड़ती है तो पम्मी क्या बोलता है मतलब पम्मी क्या बोलते हैं हाँ पम्मी ऐसे बैठे होते हैं खड़े हो जाते हैं और चले जाते हैं यानी आपकी सासू माँ लड़ती है ये तो सबके होते हैं कपड़े नहीं सही से धो सकती तुम ब्लॉग में डाल किचन है। देख लो कैसा हो रहा है मैं धोती ना आज भी बर्तन में थूत दिखे वैसे वो खड़ी इधर देखो इधर दिखाओ भाई पर अभी भी कपड़े रगड़ रही है बातचीत करांगे मम्मी की बस इतनी लड़ाई होती है कि कपड़े साफ चाहिए किचन साफ चाहिए बच्चे नहाए धोए अच्छे कपड़ों में साफ मैं कुछ नहीं बोलता मैं बोल देता हूँ तुम सासु बहू की लड़ाई है मैं इंटरफेयर ना करूँ अपना जो करना है अपना ये लड़का छोड़ के जाते हैं शाम को हम ठीक होते हैं हाँ। इसी टॉपिक पे बात करते हैं आंटी जी आगे आंटी जी आप बताओ प्रेरणा के साथ आप कितना के लड़ो किस टॉपिक पर लड़ो मेरे से बहुत कम लड़ती मैं कभी नहीं लड़ती प्रेरणा से अच्छा तुम मतलब खुश रहोगे मियां बीबी हाँ। और तुमने शादी करी अपनी पसंद की करी है तो ऐसे ही पब्लिक ये दिखाओगे खुशी रहनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल और आप खुश रहोगे तो उनसे ज्यादा मैं खुश रहूंगी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे माँ तो यार चाहोगे हाँ तो
तो मैं ये कहती हूँ, एक तो घर में साफ सफाई होनी चाहिए। हाँ। कैसा तुम्हारा मिलने का झुलने वाला आदमी कैसा आ जावे। हाँ। घर में साफ सफाई, कपड़े की, लत्ते की, घर की। हाँ। साफ सफाई आप टिप टॉप बनकर रहे करो। आप छोटे बड़े में भी जाते हो, बाहर भी जाते हो। मैं इसी वजह से कहती हूँ, और कुछ नहीं, मेरी लड़ाई है यही कहती हूँ। समझावा या नहीं? हाँ। एक लड़ाई नहीं है, समझावा। समझाती हूँ मैं मम्मी के नाते, भाई समझाना बना है तो जैसे मतलब ही समझ भी जाते हैं। बिल्कुल समझ जाते हैं। एक बात पूछूं आंटी, जब लव मैरिज करी थी, मैरिज करी आप, तय बताया था पम्मी ने पहले? पम्मी कभी नहीं बताई कभी कभी नहीं बताई थी ना, लड़ाई भी तो मम्मी बोलती थी बेटा बता दे, तो ऐसे रहते थे, शांत रहते थे ऐसे। हाँ, कभी मतलब कि इन्होंने अपने मन की बात मुझसे बोली ना, और हंसी की हंसी भी आएगी। हाँ। मैंने ये गंगा जल होता है। हाँ। वो भी इसके हाथ पर धर दिया। हाँ। कि इस गंगा जल की कसम खा, तू शादी तो नहीं करेगा मेरे बिगर बूझे। हाँ। अपनी पसंद की शादी तो ना करेगा। हाँ। तो इसने ये कह दी कि ना मम्मी ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं यार, वो बने कर रहा है मेरे जो वह है। हाँ। कि आप बहुत बहुत इसके भाई के भी, मेरे भी। हाँ। इसके पापा के भी, क्योंकि लाडलो छोटा है ये बहन भाई में। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे बड़े बड़े ऊंचे क्या पे के पम्मी की शादी ऐसे करेंगे। हाँ। धूमधाम से करेंगे, ये करेंगे। बड़ी भाभी इसकी ये कह रही, मैं पर्स ड्रेस बनवाऊंगी शादी के लिए। हाँ। पहनने के लिए सारे चांस एक ड्रेस मतलब रोज बदलूंगी। हाँ। तो हमारे मतलब कि ये चांसेस ने मतलब कि देखो आंटी जी, जैसे शादी कर ली थी तो अगला दिन बेरा लग गया आपने। तो उस दिन के लग गया भाई, बेटा ने तो पानी पूनी दे दिया, वो गंगा जल का शादी कर ली। मैं तो जब कही पम्मी मेरे साथ में ढोका कर, अगर मुझे बता देता अगर थोड़ी तो। हाँ। ही मुझे पता ही, पर ये या हर बच्चे अब तो आजकल ऐसे मतलब समझदार है, समझदार है, ऐसे तो थोड़ी बहुत चलती रह। हाँ। कोई बात नहीं, मैंने कभी रोक टोक ना करी इसकी, कदे नू नहीं लगा, यू अपनी मर्जी तो टोरिया बहु। मुझे तो पता ही, लेकिन इसके पापा को नहीं बताई करी मैं के मारेगा पिटाई करेगा। हाँ। तो मैं कभी उसे नहीं बताई करेगी, लेकिन थोड़ी सी मुझे महसूस ही। हाँ, महसूस हो जाए भाई, मम्मी पापा तो बताना जो है। मम्मी को तो पता लग जाती है। हाँ। पापा को नहीं लगती, पर मम्मी को बेटा बेटी की पता। हाँ, लग जाती है। ये बात तो सही बोल रहे हैं। अब मैं ये है, अब मैं बहुत खुश हूँ। अब खुश हो? एक बार को तो मुझे बहुत झटका लगा, को कुछ कह कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, छोटे बड़े में इसके पापा भी बैठे हैं। हाँ, लेकिन अब इनके मतलब प्रेम को देख के, इनकी खुशहाली को देख के। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, अब जैसे अच्छा इनका रिलेशन है, ऐसे ही बरकरार रहा, भी ऐसे ही दुआ करा। चलते रहेंगे। हाँ। तो इनकी खुशी में मेरी खुशी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही चलते रहेंगे। तो यही कहती हूँ, बेटी भी हो लिए, मेरी पोती हो लिए, एक मेरे पोता है, मेरे लड़का पे। मैं ये कहती हूँ कि अपने घर के लिए देखो, अपने मम्मी पापा के लिए देखो, समाज के लिए देखो, अपने घर के लिए जोड़ो और कमाओ और आगे बढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चाहती हूँ। बिल्कुल, मत करो प्रेरणा ना किसी की साग सब्जी रोटी बनानी आवक नहीं। सब्जी रोटी तो इस पे ना, पर अब थोड़ी थोड़ी हमने सिखा दी इसको, सिखा दी, मेहनत करनी पड़ी आपने। हाँ, मैंने मतलब कि एक बेटी के उस पे। हाँ। प्यार प्यार से इसको सिखाती है, और मुझे ये भी उम्मीद है अब ये बना लेगी और ये खिला देगी। प्रेरणा जी बताओ, ऐसी सासु मिली कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। जैसे सिखाने वाली को तकरीबन हुआ, कर ले करना हो तकरीबन एक दो जे परसेंट हम मिलके कर लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर दीदी करती हैं। हाँ। पर जैसे दीदी नहीं होती तो मम्मी और मैं, तो हम मिलके कर लेते हैं, थोड़ा मैं कर ले, थोड़ा मम्मी कर लेती है। अच्छा, कभी थोड़ी नोक झोंक हो जाए है? हाँ। पम्मी भाई आप बताइयो, कदे नू चुप कदे उठ के चले जाओ या सोच समझाओ एक दूसरे ने मम्मी आप मान जाओ प्रेरणा। हाँ, समझाते जब मम्मी दीदी से भी लड़ती है, मेरे से भी लड़ते हैं ना, तो ये हम दोनों को अभी नहीं बोलते, मम्मी को ही बोलते हैं, कोई बात ना मम्मी तू प्यार से बोलेगा। और हमें फिर मम्मी को ऐसे बोल के हमें इधर रखते हैं। हाँ। फिर हम दोनों के पास आते हैं, कोई बात नहीं मम्मी है बड़ी। हाँ। है, तुम प्यार से बोलेगा दोनों को मतलब की बराबर। यह बात सीखने मिला है, क्योंकि भाई एक बोले छोरा कुआ खुद बीच आ जाए, ओ जया नोक जो के थोड़ी बहुत घर में तो। हाँ बिल्कुल, सबके घर में हुआ है, ओंदी रहा कर तो ओंदी आई है अखनी आंटी। तो जैसे भाई समझावा है, मम्मी ने भी कह दिया भाई, प्रेरणा ने भी कह दिया है, तो वही बात कहूँ कि अगर किसी की शादी हो रही भाई, बहू ने भी समझाओ और माँ ने भी समझाओ, दोनों का गलत है तो उस दोनों ने समझा दे, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। मानना तो वो समझदार हुआ है, माँ इतनी एक्सपीरियंस होती सारी बातें बेरा है। तो बातचीत कराएंगे भाग्य, एक कमेंट और रह गई थी लास्ट, ये है नरेंद्र रोहतक तक है, अब तक प्रेरणा और पम्मी भाई कितने पैसे कमा लिए यूट्यूब पे? ऐसे कैसे बताओ?
बताऊं मंथली बता देते ऐसे बता देना जैसे कोई गाड़ी या फोन इस तरह का कुछ ऐसी चीज खरीद गाड़ी लेंगे अभी सून जल्दी और जोड़ रहे हैं बस गाड़ी के लिए आधे जुड़ गए फोन तो लेते ही रहते हैं यानी एक फोन और गाड़ी आपने कमा ली इतना अंदाजा है चार तोड़े सोना भी खरीद लिया ये तो ले भाई मतलब मंथली इनकम मंथली बता देते हैं फिर उसके हिसाब से आप देखिए दोनों की मिला के मंथली 2 लाख प्लस है 2 लाख बिल्कुल तो मेहनत भी तो करे दिन रात ब्लॉगिंग एक छोटा कपड़े को और खाने को ज्यादा सो होगा कपड़े हाँ कपड़े का कपड़ा ज्यादा खर्च करे कमाई है कपड़े में खाने में लगा देते आंटी आप तो दिलाया कोई पर ना सूट ना इसका इसकी सबसे बड़ी अच्छी आदत है हाँ। अगर कोई भी है ना घर में हाँ। ऐसा नहीं है कि तीर मीर करती है मम्मी भाभी बोल देंगे ना कि मुझे ये चाहिए तो हाँ। ला के देगी उसी को ला जब मम्मी कहेगी तो मम्मी के लिए पापा कहेंगे तो पापा दीदी बोलती है चाहे इसके बड़े भाई साहब बोलते हैं नवीन और दोनों फैमिली के लिए यहाँ की ओके और मैं यही चाहती हूँ कि भाई भाई में प्यार होना बिल्कुल बिल्कुल और इन दोनों बहनों में प्यार होना चाहिए बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल और बड़े को मान सम्मान करते रहो हम उसमें खुश हैं बहुत बढ़िया आंटी मैसेज दिया और ये जानेंगे फेवरेट चीजें आपकी पहले आपसे पूछेंगे फेवरेट डिश आपकी मेरी मुझे कुछ मिल जाए सब कुछ ऊपर तली सब कुछ आपके भाई दोनों का सिस्टम यही है हमारे दोनों का यही है अच्छा कुछ किसी चीज को परहेज ना अपना कुछ भी आओ उधेड़ दो दिक्कत बनने रोड़ा है और फेवरेट कलर आपका मेरा तो ब्लैक सेम है हाँ वो सेम फेवरेट सिंगर अच्छा पूछूं आइए पहले हरियाणवी में बताना आपने फीमेल में बताओ मेरे फेवरेट कोई नहीं है हरियाणवी में आपके भाई और मेल में वही हरियाणा के लिए हरियाणा की ऑडियंस कितना प्यार करते हैं आपको हरियाणा सॉन्ग सुनो आप कहते हैं सुनती हूँ मैं सबके सॉन्ग सॉन्ग सबके सुनते हैं अच्छा मगर वो है ना फेवरेट कोई सब नहीं। सारे गाने फेवरेट सब हम सबके सुनते हैं सब अच्छा सुनते है। सारे सुनती हूँ सब पे रील्स बनाते हैं यानी ये सबके फेवरेट हो गए इनका कोई फेवरेट नहीं वो जो ऐसे वो हैं रेणुका पवार उनके सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके आजकल बहुत ट्रेंडिंग सॉन्ग्स आ भी रहे उनके सारे सॉन्ग्स पे रील बनाते हैं आपकी साइड की तो है वो आपका फेवरेट यूट्यूबर भाई इन्हें हाँ इनका फेवरेट यूट्यूबर तो ऐसे कोई नहीं है बट ये एक दो के व्लॉग्स देख लेते हैं वो लवनीन वत्स है उनके व्लॉग्स देख लेते हैं खुशी पंजाब बन गए उसके देखता है ये दोनों सेम हम दोनों इनके व्लॉग्स देख रहे थे वैसे ना हम सबके व्लॉग्स देखते हैं YouTube पर जितने भी है ना नजर तो सारा है कोई छोटा व्लॉगर है या कोई बड़ा व्लॉगर सबके देखते हैं सबके देखते हैं जिनके लिंक्स पहुंच जाए हमारे पास उनके लाइक शेयर कमेंट कर देते हैं और या फिर जो हमसे बड़े भी हैं हम उनके भी देखते हैं जो हमसे छोटे हैं उनके भी देखते हैं बिल्कुल सीखने मिला किसी न किसी फेवरेट ब्रांड आप कपड़े शॉपिंग ज्यादा करो ना इनके ये तो ज़ारा के पहनते हैं टी शर्ट्स वगैरह अपनी ठीक है और वैसे इनका कोई ब्रांड नहीं है बस एक शॉप है एक मॉल है फिक्स है फ्यूचर कलेक्शन इनके कपड़े वहीं से लाते हैं और आपके और मैं बेचारी गरीब बच्चे जहाँ से मिल जाए वही पहन लेती हूँ मुझे तो कोई ला दो मेरी शॉपिंग कोई करके ला दो मम्मी ला दे वहाँ मम्मी ला दे दीदी ला दे मैं वही पहन लेती हूँ मेरी कोई पर्सनल शॉपिंग नहीं ओके अच्छा हाँ या ना जो आप देना दो तीन बातें पूछूँगा मैं गुस्से में गाली देती हूँ आप भाई वही अच्छा नेक्स्ट है भाई मैं ठंड में नहीं नहाती आप ठंड में नहीं ना इस 9 महीने पूरे नहाई हूँ हाँ इस बार नहीं है नहीं एक एक मतलब एक हफ्ता हो जावे इसे जब हम स्कूल में मतलब कि जब स्कूल जावे ना तो इसे एक एक हफ्ता हो जावे नहीं हो अच्छा मुँह पे क्रीम लगा वही यार मुँह धोवे यार बगले वही मेकअप तो नहीं करती होगी ना तब तो मुँह धोके चल जाती हूँ स्कूल में नहीं करती लगा ले हाँ अभी भी नहीं करती मेकअप ना मेकअप ना हल्का फुल्का लिपस्टिक कम खर्चा है मेरा भाई ऐसी बहुत सबको मिले कम खर्चे वाली अरे क्या बात है अच्छा मैं इंस्टाग्राम वाली लड़कियों से जलती हूँ साइड वाली कहाँ जलती आप भाई किसी से ना ना बहुत खुश हूँ जो मेरी फॉलोइंग में है जो मतलब ऊपर जाती हैं बहुत सी ऐसी हैं जो मतलब कमा रही है और अपनी फैमिली के लिए लगा रही है तो उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है जैसे खुशी पंजाबन है उन्होंने क्या से क्या कर लिया और भी मेरी फॉलोइंग में है एक दो जो मतलब अच्छी अर्निंग कर रही है और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है तो अच्छा लगता है उन्हें देख के और मैं तो कहती हूँ चलो मेरे नहीं हो रहे उनके बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है आप जब छोटे होते थे तो आपका फेवरेट टीवी सीरियल कौन सा था छोटे में
मैं छोटे बच्चे वैसे कार्टून देखते हैं, पर मैं 8-10 साल की सीरियल देखती थी उस टाइम पे, जो भी आते थे देखती थी, पर अब भी सीरियल ही देखती हूँ। अब तो टीवी नहीं है हमारे पास, तो टीवी है ही नहीं, पापा वाले कमरे में है और हमारे कमरे में टीवी है नहीं, क्योंकि अभी मेरे को मना था और टीवी होता तो मैं देखती जरूर। स्कूल टाइम में पढ़ाई की बात आवे, नालायक थे, एवरेज थे या फिर इंटेलिजेंट? मैं इंटेलिजेंट और यही सबको यकीन नहीं होता पढ़ने में पूरी थी। जब मैं पास हो जाती थी ना और जब मेरी आते थे 70, 75, 80, 85 तो कहते थे तू पढ़ी कदम में, पूरा टाइम तो मेरी गल रहे भाई। मेरी मम्मी भी तुझे टीचर्स जान के तो पास नहीं करती। मैंने कहा नहीं यार, मैंने मेहनत करी है, मतलब हो जाती थी बिल्कुल। पढ़ाई में इंटेलिजेंट थे आप मम्मी भाई? मैं तो बस क्या बताऊं, स्कूल के आगे पीछे भी नहीं बैठे कभी। कोई तो स्कूल के आगे पीछे बाहर बैठते हैं, ये कहीं भी ना बैठे, ये बाथरूम में बैठे थे। पढ़ाई की बात और कहाँ तक करी आपने? मैंने बस तो ग्रेजुएट है। कैसे कराई हो? बस हो गया, गाने लिख के आ रहा मेरा जो। स्कूल जाते थे तो मेट्रो में जाके बैठते थे हवा खाने के। कॉलेज में थे ना, मतलब हमारे पेपर होते थे ना, तो मैं लिखता रह गया तो मेरे पीछे वाला गया दोस्त ही हो, के लिख रहा है मगर गाने लिख रहा है, तू भी लिख ले गाने तो पास हो गया देख ले इसे इंटेलिजेंट बच्चे। ये देखो अपने आप को 10 में से कितने नंबर दे? मैं अपने आप को 5। क्यों? अभी बहुत चीजें ठीक करनी है अपने अंदर। मम्मी तो कह रहे कुछ भी नहीं इसमें कमी है। नहीं, इनको तो कभी नहीं लगेंगी, इनको तो अगर 1-0 नंबर दूंगी तब भी नहीं लगेगी। और बहुत सी चीजें होती है ना अभी भी जो मतलब आगे करनी है मुझे। ये तो आपने अपने दिए 5। मम्मी भाई आप कितने? 10 में से 10। और आप कितने दोगे? मम्मी पूरा प्यार है भाई इनमें तो, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। आज इतना फेम नेम हो गया, किसको क्रेडिट देना चाहोगे आप दोनों? हम एक दूसरे को। जब शादी हुई, यूट्यूब पहले चलाते थे आप? नहीं, शादी होने के बाद। 2 महीने बाद किसने आइडिया दिया यूट्यूब चलाओ? ये आइडिया मैंने ही दिया था, क्योंकि जब मैं देखता था ना व्लॉग, फिर यार दोस्त भी बोलते थे कि भाई यूट्यूब जैसे मैं इंस्टा पे थी, जैसे फेम था, मैंने क्रिएट किया था 23 मई को 2021। ओके, और फिर एक मेरा फ्रेंड है पीके, उसने बोला था कि आप यूट्यूब चैनल, मतलब उनसे नहीं हम मिले थे, तो उस टाइम पे हमारा यूट्यूब चैनल था कुछ 15-20 हज़ार सब्सक्राइबर थे। ओके, और उसके बाद उन्होंने इनको भी आइडिया दिया, फिर मैंने भी बोला आप भी बना लो, फिर हमारे 2 यूट्यूब चैनल हैं। अब अच्छा फेम नेम हो गया आपका। मेरे जैसा कोई यूट्यूबर है या फिर सिंगर है, आप उसको सपोर्ट करोगे? बिल्कुल। किस वे में? किसी भी वे में जो हमसे हो पाएगा। आप फ्यूचर प्लान क्या भाई? फ्यूचर प्लान क्या है? कुछ भी नहीं है, बस अपना पैसा कमाने, तरक्की करनी है। पैसा तो कमा रहे हैं। स्मार्ट वर्क इसे बोलते हैं, स्मार्ट वर्क, 2-2 लाख इनकम हो रही है। वो स्मार्ट वर्क कर रखे हैं इन्वेस्टमेंट जगह जगह ऐसे। हाँ, तो अच्छा। पर मैंने इन्हें लास्ट अभी अपने ब्लॉग में आइडिया दिया था, मैं बोल रही थी यार हम कोई अपने नाम पे बड़ा सा रेस्टोर वगैरह खोलते हैं। हाँ। और मतलब अपना हम ब्लॉगिंग वगैरह करते रहेंगे, रेस्टोर में ही फैंस आएंगे, फ्रेंड्स आएंगे, फैन है वो भी मिल सके। मैंने इनको ये आइडिया दिया, मैंने कहा कुछ पैसे इस पे इन्वेस्ट करते, तो उन्होंने बोला ठीक है, दोनों को थोड़ा सा बड़ा होने दे फिर करते हैं। फिर कह रहे रेस्टोरेंट, मैंने कहा क्या हो गया, ढाबा नाम रख के कोई बड़ा रेस्टोरेंट खोलेंगे? मेरा है मन नहीं है कि कुछ खोलेंगे। और उसके बाद भाई पापा हम मतलब सारे फैमिली फिर उस पे इन्वेस्ट करके उसी पे लगेंगे। बिल्कुल, आपका क्या है? फैमिली बिजनेस करेंगे। सही कह रही। मेरा तो खैर करने को मन ना करता, मगर मैं कह रही हूं जो कह रही है तो करेंगे। तो इनको क्या, जिम करो, आओ रोटी खाओ, सो जाओ, व्लॉग बनाओ, यानी प्रेरणा का मन में आगे काम बढ़ाओ। इंटेलिजेंट बहू ऐसे तो सॉन्ग की बात आ, मॉडलिंग में सोचा भाई उतरने की? अब करेंगे ना, अब करोगे अपने साथ? ऐसे तो सॉन्ग्स के ऑफर आते रहते हैं मेरे पास। हाँ। पर आएंगे तो अगर इन्हें ठीक लगेगा तो कर लूंगी, पर वैसे मैं करती नहीं हूँ। मैंने इससे बोला है कि अब हम खुद ही कर लेंगे ना, जब इतना मतलब कुछ ऐसे हो। हाँ। कि प्रोफेशनल सॉन्ग भी हो ना तो कर लूँ। हाँ। मतलब अच्छे हो, हिंदी हरियाणवी या फिर कुछ भी हो चलेगा, बट होना चाहिए ना सामने वाली टीम भी अच्छी हो, कम्फर्टेबल जोन हो, इन्हें भी ठीक लगे, मुझे भी ठीक लगे, क्योंकि एक सिंगल के लिए थोड़ी लाइफ अलग होती है। हम लोग बहुत ओपन है, पर फिर भी एक मैरिड के लिए थोड़ी अलग होती है ना। यानी कोई भाई सिंगर हो तो भाई आप सॉन्ग देना चाहो या फिर कोई आप उस सॉन्ग में मॉडलिंग के रूप में लेना चाहो तो अच्छी चीज़ होगी तो जरूर सपोर्ट करेंगे। व्लॉगर है तो उसको सपोर्ट करेंगे, आओ मिलो। तो लास्ट में के मैसेज देना चाहोगे यूथ फॉलो करता आपको? क्या मैसेज देना चाहूँगी? बस ऐसे ही प्यार करते रहो और
बस हमारी लव स्टोरी देख के ना यही मैं सीख जा रहा हूँ कि हम भी कर रहे हैं। लास्ट भी मैंने यही बोला था, अब भी मैं यही बोल रही हूँ। ये बात है यार, कई बाकी और भी चीज़ें देखो हमारी, बहुत स्ट्रगल भी करा है हमने, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यही है, दिखता है लोगों को अच्छा ही है जो हम व्लॉग में दिखाते हैं स्ट्रगल, और अपने दुख तकलीफ हमें भी आप लोगों को दिखाते नहीं है, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? अब नहीं है, पर एक साल में हमने बहुत करा है, बहुत हेट भी फेस करा है, अब जाके तो मिला प्यार। बहुत हेट फेस करा है फैमिली के भी, मतलब बहुत चीज़ें फेस करी हैं, 4-6 महीने बहुत फेस करी हैं, बट अब भगवान की दुआ से, आप लोगों की दुआ से सब ठीक है। यानी मेन बात है, अगर आप प्यार करते हो ना, पहले अपनी फैमिली को मनाओ। हाँ। प्यार देख जायज हो भाई, प्यार करना कोई माड़ी बात नहीं है, प्यार करो तो अपनी फैमिली को होना भी चाहिए, मतलब प्यार के बाद निभाना भी होना चाहिए। हाँ। बहुत से बोलते हैं कि तुम्हारी नहीं निभेगी ये। हाँ। वो, और मैंने अपने मतलब इंस्टाग्राम पे ही बहुत से नोन ऐसे हैं जिन्हें मतलब ऐसे फ्रेंड्स नहीं जानती हूँ, बात करती हूँ, शादी हो गई, डिवोर्स हो गए बहुत से इंस्टा पे, तो और बच्चे भी है, डिवोर्स हो गए तो नहीं अच्छा लगा। जो हमने शादी करी थी कि ये 3 महीने ठीक है, 3 महीने बाद इनका डिवोर्स होता दिखा देंगे, सब बोलते थे। सही तकरीबन यही बोलते हैं भाई, लव मैरिज ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं है, वो तो आपके हाथ में मैनेज करना, वो छोटे हाथ में भाई, नोक जो को अगर आया तो छोटी मोटी बात ले होगे तो वो तो बात बतंगड़ बना ले, वो चार हरियाणवी में देख लो शादी को तो 1 साल हुआ, रिलेशनशिप को तो आज 8 साल हो गए। कल वो है ना, अब किसी ना, अब जैसे मैं गुस्से में हूँ तो ये चुप लगाती है, जब मैं ये गुस्से में मैं चुप लगाता हूँ तो वही बात खत्म। बिल्कुल बिल्कुल, यानी एक बंदा ने गम खानी पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो थैंक यू पम्मी और प्रेरणा जी, इतना कीमती समय दिया। तो जे दे इसको ये वीडियो को इतना शेयर कर दो भाई, तीसरी बार फिर आना पड़े। दबा का शेयर कर दो भाई, जय बाबा के बना यू चल रहा है। कितने इंच के डोले भाई? कितने के होंगे? होंगे 1500। अब तो सूख गए, नहीं हम उस टाइम मिले थे ऐसे लग रहे हमको तो। नहीं उस टाइम तो इतने थे, कमजोर हो गए। अच्छा, कमजोर हो गए, वेट लूज कर रहे हैं अब, ये पेट इतना लग रहा है। क्या बात है भाई, बेस्ट ऑफ लक फ्यूचर के लिए, और थैंक यू प्रेरणा जी। तो थैंक यू दोस्तों, पूरी वीडियो देख